बल्ले बल्ले ओए, मैं मर जावा गुड़ खाके। अच्छा तो आप है हमारी रियासत के राजकुमार नमूना, अंदर से मिट्टी बाहर से चुन्ना। हम न कत्था है न चूना, मगर हमारी मीठी सुपारी। हमको ये बताओ कि तुम यहाँ हमें क्यों लाई हो? तुम्हारी दावत करने के लिए नहीं लाई हूँ। तो फिर जरूर अदावत का इरादा है। हम जानते हैं कि एक नौजवान को इस वीराने में लाने का क्या मतलब है। याद रखो, हम अपनी जान दे देंगे मगर अपनी लाज की चुनरी पर एक दाग नहीं आने देंगे। ए, रोता क्यों है? हम कहाँ रो रहे हैं, हमारी सूरत ही ऐसी। तो इस सूरत के साथ राजगद्दी पर बैठोगे? अरे राजगद्दी पर तो आजकल भी बैठना रिफ्यूज करते हैं। हम राजकुमार हैं, राज सिंहासन पर बैठेंगे। ए, 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 सुन सुन, तुम राजा हो, कुछ हमारा भी इंसाफ करोगे? आजकल के जमाने में हम इंसाफ कहाँ से करेंगे। अगर हमने तुम्हारा इंसाफ किया तो लोग हमें राजकुमार नहीं बल्कि लल्लू लोहार और चंदू चमार कहेंगे। तुम्हारी रियासत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सीने और दिल जख्मी हैं, उनका क्या होगा? उनका इलाज करो, उन्हें सपट लोशन लगाओ। बल्ले बल्ले ओए, मैं मर जावा गुड़ खा के। मैं उन जख्मों की बात नहीं कर रही, मैं उन जख्मों की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे कैप्टन किशोर ने प्रजा को दिए हैं। ऐसा एक जख्म हमारे सीने में भी है। बचपन से हमने हमारे पिताजी को नहीं देखा, हमने कई बार